हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक पास किए गए, जिसमें महिला आरक्षण का मामला और दूसरा धर्मांतरण का मामला पास किया गया, जिसको लेकर अब बीजेपी प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दो विधेयक पास किए गए और उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी सभी प्रवक्ता 13 जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी जनता तक पहुंचाई जा सके और जनता उसका लाभ उठा सके। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद तुष्टिकरण की राजनीति करती है और आरोप बीजेपी पर लगाती है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम हिंदू हैं और इसमें हमें किसी भी प्रकार का तुष्टिकरण किया है तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी समानता की बात कर रही है। इस देश के अंदर सबके लिए एक जैसा कानून हो, उसके लिए भी समान नागरिक संहिता लाने का उत्तराखंड जो राज्य है उसने उसका ड्राफ्ट तैयार चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है।